पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के चाहे जितने मर्जी दावे किए जा रहे हों, पर जमीनी हकीकत इन सब दावों की पोल खोलती है। आपको बता दें कि पठानकोट के बजरी कंपनी में स्थित एलिमेंट्री स्कूल में सफाई नामात्र है, जगह जगह गंदगी फैली है। बाथरूम की सफाई मुख्य अध्यापक के अनुसार 15 दिन में अपनी जेब खर्चे से करवाई जाती है। यह है हाल पंजाब के सरकारी स्कूलों का, और शिक्षा विभाग हवा में तीर छोड़कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। सरकार को चाहिए कि स्कूलों के स्तर को अगर ऊंचा उठाना है तो पहले स्कूलों में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करें। सर, मेरा नाम सुमन, मैं है टीचर, इतने बच्चे बहुत ज्यादा ने, तुम पता छोटे छोटे बच्चे है, मैं 15 दिन बाद सफाई करवानी है, फिर वही हाल हो जाए। कोई इतने बारे सफाई करन के आंदा ने, असीं आपे ने कोले अच्छे से सफाई करवाई। सर, जो जिसका होना है किसी ने कह के जाने चाहिए, कोई बंदा उन्होंने कही रहे, वो गया कोई बंदा भेज देंगे सफाई करा ले। हाँ जी सर, पैसे लेंगे, पर कई बार मैं पिछले जी भी काफ़ी गंदी हुई है, ताकि उन्होंने मेरे को 1500 रुपये मंगया ही, मैं उन्होंने कहा कि मैं इन्ना नहीं दे सकती, मैं 500 तो 1000 तक जी है सफाई का दे सकती हूँ। 15 दिन बाद ही आपे 15 दिन बाद मैं 1000 रुपया दाँगी, तो महीने का पैसे कितने लगे। सर, मैं अपने एक्चुअली मैं उपर कहते हैं वो नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि असर सफाई जड़े अपने स्कूल की सफाई लिए अलग कोई नहीं होंगे ना, अभी स्कूल की सफाई वगैरह लिए अपने को सफाई करवाई, क्योंकि प्री प्राइमरी सफाई लिए कोई अलग जोड़ा सो जो कर्मचारी नहीं होंगे। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।